बात गोरखपुर की। गोरखपुर में जीआरपी और आरपीएफ की मुस्तैदी से गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान तीनों आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे। गिरफ्त में आए तीनों गैंगरेप के आरोपियों में से 2 रेलवे के कर्मचारी हैं, जबकि एक युवक पार्सल घर में माल ढुलाई का काम करता है। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की सुरक्षा के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इसी दरमियान गोदान एक्सप्रेस के खाली बोगी में युवती के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी थी, जिस पर गश्त कर रहे जवानों ने युवती के साथ गैंगरेप कर रहे तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप के 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। आज दिनांक 26/8/18 को सुबह लगभग 4 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली खड़ी गोदान ट्रेन में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल है के साथ 3 युवक दुष्कर्म कर रहे थे। इसी दौरान आरपीएफ एवं जीआरपी की गश्त पार्टी मौके पर पहुंच गई। पुलिस बल को देखकर आरोपी मौके से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस बल ने उनको दौड़ाकर पकड़ लिया। लड़की की तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं धारा 376D 3/4 पोक्सो एक्ट में FIR पंजीकृत कर ली गई है। Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification.